100% से 0% हम आज जो है इस गाड़ी की बैटरी को करने वाले हैं। 89 किलोमीटर का जो है ओडोमीटर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है बता देता हूँ कि भैया कितने किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। ऑन रोड टेस्ट दोस्तों इसका जो है हो रहा है, ऑन रोड टेस्ट हो रहा है इसका। ये बिना किसी ब्रेक के बिना रुके लगातार मैं चल रहा हूँ, किसी तरह का कोई भी ब्रेक जो है मैंने नहीं लिया है दोस्तों। गलती हो गई दोस्तों, जो भी होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बैटरी बार बचा हुआ है दोस्तों, सिर्फ एक बैटरी बार। देख रहे हो लाल हो गया ये हाथ मेरा, पूरा का पूरा लाल हो गया है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ये गाड़ी बंद हो गई, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी बंद करके चालू करता हूँ तो अभी है कुछ में कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से जो बैटरी है खत्म हो चुकी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सोल बाइकर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे साथ है प्योर ईवी। जी हाँ, प्योर का ई ट्रेंस न्यू जो है मेरे साथ है आज, और इसका मैं जो है रेंज टेस्ट करने वाला हूँ फर्स्ट मोड के अंदर। जी हाँ, फर्स्ट मोड में हम जो है रेंज टेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो चार्जर में जो है ग्रीन लाइट आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुकी है। तो ये जो है इंडिकेशन है इसके फुल चार्ज होने का, और मैं अभी तक जो है प्लग से हटाया नहीं, अब जो है हटाऊंगा। बाकी पहले आपको जो है मैं रीडिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो रीडिंग्स क्या क्या आ रही है दिखा देता हूँ। 60 वोल्ट का ये स्कूटर है, 15 किलोमीटर का जो है ऑडोमीटर ये दिखा रहा है, और यही इसमें रहता है। ट्रिप मेरे ख्याल से चेंज नहीं होती, कल मैं चला रहा था इसको, कुछ लगभग 3 या 4-5 किलोमीटर पर मुझे ये गाड़ी मिली थी, तो कल मैं इसको थोड़ा बहुत चलाया है। और 15 किलोमीटर की जो ऑडोमीटर है उससे हम जो है इसको शुरू करने वाले हैं। फुल चार्ज है जैसे कि आप ग्रीन लाइट देख ही रहे हो। बाकी दोस्तों इस गाड़ी का जो है काफ़ी अच्छा रिव्यू वगैरह वीडियो भी जो है शूट करने वाला हूँ मैं, इसको हर मोड में चला के देखने वाला हूँ। विथ पिलियन भी जो है मैं कोशिश करूँगा टेस्ट करने की। तो आप जो है बने रहिएगा वीडियो पे, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। और दोस्तों मेरे साथ जो है एक्स्ट्रा बैटरी भी है, तो ये जो है मैं रख के लेके जाना हूँ। जैसे ये बैटरी फुल खत्म हो जाएगी हम जो इस बैटरी को लगा के आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप के अंदर। एक्स्ट्रा बैटरी मैंने रख ली ताकि इस गाड़ी की बैटरी को हम जो है फुल तरीके से खत्म कर देंगे, मतलब 100% से 0% कर देंगे, उसके बाद हम कहाँ फंस जाएंगे हाईवे पे हमें पता नहीं है। तो भैया इसलिए बैटरी हमने ले ली है। और रीडिंग्स की बात करूँ मैं, वैसे आपको अंदर बता चुका हूँ 60 वोल्ट के अंदर बैटरी है, 15 किलोमीटर का ऑर्डर हो रखा है, चार्जिंग जो है फुल है, पार्किंग मोड इसमें आता है, और हमारा GPS स्पीडोमीटर हम जो है लगा लेते हैं ताकि आपको पता लगे गूगल मैप के हिसाब से कितनी चलती। गूगल मैप की रीडिंग भी मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, बिल्कुल एक जगह रुक के जो है गूगल मैप के हिसाब से बताऊंगा, कंपेयर करूंगा इस मीटर को भी। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप भी अगर कंपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो डाउनलोड करके, तो इसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इसको जो है मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो को, और इसको इधर रख लेते हैं। चलिए फर्स्ट मोड में हम टेस्ट करने वाले हैं, पार्किंग मोड से हटाते हैं। चलो तो दोस्तों मैं पकड़ चुका हूँ हाईवे, और इस कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो स्पीड आपको बता देता हूँ कि 100% चार्ज पे जो स्पीड है वो आपको कितनी देखने को मिलती है। तो गूगल मैप हम निकालते हैं, तो ये गूगल मैप लगाते हैं हम जयपुर का, तो हमने लगा दिया है गूगल मैप। स्टार्ट करते हैं इसको, साइड बाय साइड कंपेरिजन कर रहे हैं क्योंकि हम इको मोड में हैं फर्स्ट मोड में। तो 37-38 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड दिखा रहा है इसके अंदर, 39 आ गया जैसा कि आप देख रहे हो, 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसके अंदर दिखा रहा है। तो 37 जो है रेगुलरली शो कर रहा है। बाकी एक बार जो है 39 भी आया था, 38 भी आया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दोस्तों बात करें इस गाड़ी की मोटर वगैरह के बारे में और बैटरी के बारे में कि भैया इसको हम बैटरी टेस्ट कर रहे हैं वो आखिर है कितने की। तो भाई इसकी जो मोटर है हमें मिलती है 1.5 किलोवाट की नॉमिनल पावर के साथ, तो यहाँ 40 आ गया देखो, तो रोड पे भी डिपेंड करता है। तो 1.5 किलोवाट की नॉमिनल पावर के साथ मिलती है, और करीबन जो है 2.2 किलोवाट का इसका पीक पावर है। मैं एग्जैक्ट फिगर जो है अगर सही नहीं होगा तो यहाँ पे लिख दूंगा। बाकी बैटरी जो है इसकी 2.5 किलोवाट आवर की है, और 60 वोल्ट के अंदर ये बैटरी आती है। मैंने जो है बैटरी को अच्छे से कवर भी कर दिया है ताकि अगर हल्की फुल्की बारिश आती है तो जो है सेफ रहे, या फिर हम कहीं रुक जाएंगे तेज़ आ जाएगी तो। बाकी 40 की स्पीड यहाँ पर जो है दिखा रहा है फुल चार्ज के अंदर, 16 पे जो है ऑडोमीटर आ गया हमारा, ट्रिप मीटर वगैरह इसके अंदर नहीं आता है, और पॉलीथीन लगी हुई है इसके ऊपर। तो चलो रेंज देते हैं, दिख रहा होगा ऐसे इजीली क्योंकि मौसम सही है। कितनी रेंज देती है आपको पता लग जाएगा। 100% से 0% हम आज जो है इस गाड़ी की बैटरी को करने वाले हैं, और आपको बताने वाले हैं कि फर्स्ट मोड में ये जो है कितनी रेंज निकालती है।
तो दोस्तों मैं अभी हूँ निवाई बाईपास पे। अगर हम रीडिंग की बात करें तो 47 किलोमीटर का जो है ऑडोमीटर हो रहा है, 37 की जो है स्पीड यहाँ पे देखने को मिल रही है और एक बैटरी बार जो है कम हो चुका है। तो ये कुछ हो गई दोस्तों रीडिंग्स। और आगे हम आपको बताएंगे कि गूगल मैप जो है कितना किलोमीटर दिखा रहा है और हमारा स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है और ये जो ऑडोमीटर है वो कितना दिखा रहा है, एक्चुअल में इसका जो है कंपेरिजन करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चाकसू बाईपास पे। जी हाँ, चाकसू का जो एंट्री पॉइंट होता है टोंक की तरफ से, उधर से मैं जो है बाईपास पे आ गया हूं। और जैसा कि आप देख रहे हो दो बैटरी बार जो है कम हो चुके हैं, एक वापस जो है आ चुका है। तो दो बैटरी बार कम हो चुके हैं बेसिकली, एक वापस आ गया है। 69 किलोमीटर की जो है ऑडोमीटर हो चुकी है, 15 किलोमीटर से हमने शुरू की थी, 35-36 की स्पीड जो है मीटर में जो है शो कर रहा है। बाकी देखते हैं कितने किलोमीटर और चलती है। इसकी जो बैटरी है मैं आपको बता चुका हूँ 2.5 किलोवाट आवर की है और किस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आ रही है। लगातार जो है मुझे काफ़ी देर हो चुकी है चलते हुए और आपको बता देंगे टोटल जो है कितना चलता है। बाकी 100% से 0% टेस्ट हम जो है इस गाड़ी का कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यहाँ तक देख रहे हो तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यार इस तरह के रेंज टेस्ट में एफर्ट बहुत लगता है और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको एक जगह रुकेंगे, वहाँ बताएंगे गूगल मैप के हिसाब से जो है कितना जो है कम है कितना ज़्यादा है इसका ऑडोमीटर, तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों मैं चाकसू बाईपास को कंप्लीट ही करने वाला हूँ, आगे जो है चाकसू का बोर्ड आ गया है। बात करें रीडिंग्स के बारे में तो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है, 89 किलोमीटर का जो है ऑडोमीटर हो चुका है, दो बैटरी बार ख़त्म हो चुके हैं और थ्रोटल कम करके और अगर मैं ऐसे उठाने की कोशिश करूँगा ना ब्रेक मार के तो जो है तीन बैटरी बार चले जाते हैं। जी हाँ, एक वापस आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है बता देता हूँ कि भैया कितने किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। मैं जो है इस चाकसू वाले बोर्ड के पास जो है रुक जाता हूँ, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं और आपको बताते हैं रीडिंग्स वगैरह किस तरह की आ रही हैं किस तरह की नहीं आ रही है। गाड़ी को मैं लगा देता हूँ पार्किंग मोड पर। जी हाँ, पार्किंग मोड पर मैंने इस गाड़ी को लगा दिया है। अब बताते हैं आपको सबसे पहले तो हमारा जो GPS स्पीडोमीटर है उसके हिसाब से रीडिंग जो है कितनी आ रही है। तो भैया ये जो GPS स्पीडोमीटर के हिसाब से रीडिंग है वो आ रही है 69.75 किलोमीटर। इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भैया इसका पॉज भी कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, पॉज करके भी आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो 69.75 जो है आपको दिखा रहा है, बाकी ये जो है दिखा रहा है 89। तो 89 के हिसाब से हम देखें तो आपको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे 89-15 तो 74 जो है अकॉर्डिंग टू ऑडोमीटर हो चुका है हमारा किलोमीटर रनिंग और यहाँ दिखा रहा है 69.75। अब जो है मैं आपको गूगल मैप का ही बता देता हूँ। तो गूगल मैप जो है मैं यहाँ से जो है मेरे घर की लोकेशन डाल देता हूँ पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे घर की लोकेशन इस लोकेशन से जो है 69 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इसी रास्ते से मैं आया हूँ। स्क्रीनशॉट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको जो है पता लग जाए। और कार और बाइक के साथ जो है सेम ही है, कोई अलग जो है नहीं है। बाइक का आप देखना चाहोगे 69 किलोमीटर आ रहा है यहाँ पे भी। तो भैया 69 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप, 69 किलोमीटर ही दिखा रहा है GPS स्पीडोमीटर। ये दिखा रहा है लगभग 74 जो है ये दिखा रहा था। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ 89-15 जो है 74 ये दिखा रहा है। तो भैया 4 किलोमीटर जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, बाकी स्पीड वगैरह तो एकदम सही दिखा रहा है मीटर। तीन बैटरी वगैरह कम हो चुके हैं, थ्रोटल देते हैं तो जो है तीसरा भी कम हो जाता है। बाकी एक्स्ट्रा बैटरी हम लेके चल रहे हैं भाई, कितना भी चले रास्ते में हम ख़त्म करने वाले हैं इसको, 100% से 0% करने वाले हैं। उसके बाद जो है आपको बताने वाले हैं कि फर्स्ट मोड में अंदर जो है ये गाड़ी कितनी रेंज देती है। तो भैया ये जो है कुछ मामला है और एक बार यहाँ से यू टर्न में ले लेता हूँ। अब देखना मैं थ्रोटल दूंगा ना, और पार्किंग मोड से तो हटाओ भैया, तो थ्रोटल दूंगा तो देखो एक बैटरी बार और कम हो गया है। तो ये जो है फिलहाल मामला चल रहा है, पीछे कार आ रही है तो यहाँ पर जो है मैं यू टर्न ले लेता हूँ। तो ये इसमें इंडिकेटर में जो है आवाज़ भी आती है तो ये अच्छी बात है। तो चाकसू बाईपास हमने कंप्लीट किया है, यहाँ से मैं यू टर्न लेने वाला हूँ। जी हाँ, और बिल्कुल ले लिया जी हमने यू टर्न। ये देखो भाई हेलमेट के अंदर फ़ोन घुसा रहा है, कितनी गलत बात है। और बातें करेगा भाई, ब्लूटूथ वाले हेलमेट आते हैं आजकल, खरीदो अच्छा रहेगा। तो भैया यू टर्न हमने ले लिया है और अगर अब हमें स्पीड की देखें ना, स्पीड जो है किस तरह की मिलती है,
दोस्तों अगर मैं स्पीड की बात करूं अब गूगल मैप के हिसाब से, तो यहां आप देख सकते हैं इस मीटर के अंदर दिखा रहा है 36 और जो गूगल मैप है उसके अंदर दिखा रहा है 33-34 जो है दिखा रहा है। स्क्रीनशॉट में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, तो 33-34 दिखा रहा है, यहां पे 36 दिखा रहा है, तो कुछ इस तरह की जो है स्पीड आपको देखने को मिलती है दोस्तों। एक स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी 90 किलोमीटर का जो है ओडोमीटर हो चुका है दोस्तों, और एग्जैक्ट बताता है, मतलब ये जो GPS स्पीडोमीटर मैं यूज़ करता हूँ किलोमीटर देखने के लिए, वो जो है गूगल मैप के हिसाब से बताता है। अब देखो यार कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना गूगल मैप को। जनरली आम आदमी जो है किसी भी डिस्टेंस को ना कहीं जाना होता है तो हम उसी में देखते हैं, इस वजह से मैं जो है गूगल मैप यूज़ करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। हम सब लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं गूगल मैप देखते हैं कितने किलोमीटर है, इस वजह से मैं हमेशा जो किलोमीटर्स है वो गूगल मैप के हिसाब से ही काउंट करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो इसकी जो रीडिंग है GPS स्पीडोमीटर की वो गूगल मैप के हिसाब से आती है, इस वजह से उस ऐप में हम जो लास्ट में देखेंगे जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी ना, तब देखेंगे कि कितने किलोमीटर जो है ये गाड़ी एक्चुअल में चली है। ऑन रोड टेस्ट दोस्तों इसका जो है हो रहा है, ऑन रोड टेस्ट हो रहा है इसका, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस टेस्ट को करने में। स्लो स्पीड में हम चल रहे हैं, सब लोग हमको जो है ओवरटेक कर रहे हैं, और गाड़ी जो है 90 किलोमीटर के आसपास जो है चल चुकी है, और देखते हैं कितने किलोमीटर और ये गाड़ी चल पाती है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो यार लाइक कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। दोस्तों मैं स्पीडोमीटर को ऑन करना वहाँ भूल गया था, तो 1 किलोमीटर जो है मैंने 1.5 किलोमीटर मैंने जो है ऐसे ही चला दी है, 1 किलोमीटर मैंने ऐसे ही चला दिया गाड़ी को। तो अभी जो है मैंने इसको ऑन कर दिया है GPS स्पीडोमीटर को, यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। तो भैया किसी भी तरह का ब्रेक जो मैंने नहीं लिया है, और मुझे लगातार चलते हुए हो गए लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, जी हाँ 2 घंटे 3 मिनट हो चुके हैं, और ये देखा जैसा कि आप देख रहे हो लगातार चल रहा है ये, बस गलती से वो जो वहाँ पर जो है मैं जहाँ यू टर्न लेने वाला था वहाँ पर मैंने इसको जो है गलती हो गई। दोस्तों जो भी होता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन तो 1 किलोमीटर मैंने वैसे इसको चला दिया है स्पीडोमीटर को पॉज करके, लेकिन आपको बता दूंगा मैं चाकसू बाईपास जो है मैंने पूरा कवर किया है और 1 किलोमीटर मैंने बिना स्पीडोमीटर के चलाया है, लेकिन इसके अंदर जो है चीज़ काउंट हो रही है वो। बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर दोस्तों चल पाती है बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके लगातार मैं चल रहा हूँ, किसी तरह का कोई भी ब्रेक जो है मैंने नहीं लिया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी मोटू का, जी हाँ जैसा कि आप देख रहे हो जो बड़ा वाला पेट्रोल पंप है एचपी का क्या भारत का और इंडियन का यहां पर है, तो ये जो जगह है मोटू का है, और हाईवे पर हूं मैं, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। 32 की स्पीड जो है फ़िलहाल मुझे मिल रही है, 1 बैटरी बार बचा हुआ है दोस्तों, सिर्फ 1 बैटरी बार, मतलब हमने 5 ख़त्म कर चुके हैं, लास्ट वाला बचा हुआ है इसको भी ख़त्म कर देंगे। 146 किलोमीटर का जो है ओडोमीटर दोस्तों हो रखा है, और 32 की स्पीड देखने को मिल रही है, लास्ट बार बचा हुआ है बस, आखिरी जो है इसकी सांसें चल रही हैं, देखते हैं ये जो आखिरी सांसें हैं आखिरी बैटरी बार है कहाँ तक चलता है इस गाड़ी का। बाकी ऑटोमेटिक बंद करके रहेंगे इस गाड़ी को। अगर मैं कुछ रीडिंग्स की बात करूँ दोस्तों स्पीड वगैरह के बारे में बात करें हम, तो स्पीड सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ गूगल मैप के हिसाब से कैसी है कैसी नहीं है। तो भैया स्पीड ये देखो, स्पीड जो है दिखा रहा है 30, जी हाँ 31, तो स्क्रीनशॉट में आपको दे देता हूँ 30-31 का जो है स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ जो स्पीड है यहाँ पे 33 दिखा रहा है, यहाँ 30 दिखा रहा है, तो 2-3 का अंतर जो है इसके अंदर है, 31 भी आ रहा है कभी कभी, तो ये कुछ इस तरह का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाकी 1 बैटरी बार बचा हुआ है, देखते हैं अब वो जो है कब तक चलता है। और अगर मैं आपको टाइम बताऊँ, जी हाँ तो टाइम हो रहा है अभी 12 बज गए हैं, तो 12 बज गए हैं बिल्कुल, और चलाते चलाते हमारे भी जो है 12 बज चुके हैं, यार काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ, और हाथ जो है वो दर्द हो गया है, देख रहे हो लाल हो गया ये हाथ मेरा, पूरा का पूरा लाल हो गया है, इस थ्रोटल को खींचते खींचते ना लाल हो गया है, और इधर वाला नॉर्मल है लेकिन इधर वाला यार इसको पकड़ के रखना पड़ता है ना, तो भाई साहब दिक्कत तो होती होती है। तो क्रूज़ कंट्रोल जो है इस गाड़ी के अंदर नहीं आता है, और ना ही रिवर्स मोड आता है, तो ये जो है चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर और चल पाती है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक तो
दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। 100 से 0% करके मानेंगे, फुल बैटरी थी, एक बैटरी बार अब बचा हुआ है, 148 किलोमीटर में चल चुका हूँ, देखते हैं और कितना चल पाती है गाड़ी। जैसा कि आप देख रहे हो फ्लाईओवर पे है ना, स्पीड और भी कम हो जाती है, 30 की स्पीड हो जाती है, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है फ्लाईओवर के ऊपर, थोड़ी सी फ़र्क पड़ रहा है, 2-3 का फ़र्क जो है आ जा रहा है, फ़र्क पड़ता है फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं। वैसे इसकी जो ग्रेडेबिलिटी है वो 12 डिग्री की आपको बताया था मैं। माइक चेक। तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ये गाड़ी बंद हो गई, जैसा कि आप देख रहे हो अभी चलते चलते जो है बंद हो गई है, और क्या ही बताएं, बस बंद हो गई है। अगर मैं इसको चालू करके बंद करके चालू करता हूँ तो भी कोई है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो भैया इसका मामला डेड हो गया है। तो इसमें जितनी भी बैटरी थी वो हम चूस चुके हैं, चला चुके हैं, और जो एक्स्ट्रा बैटरी है मेरे पास रखी हुई है जिसको हम अब जो है यूज़ करेंगे। लेकिन भैया पीछे से ट्रक वरुक आ रहे हैं, तो भैया ये जो गाड़ी है चल चुकी है लगातार, इसको हमने चलाया, आप कितने किलोमीटर चलती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है इस गाड़ी को जो GPS स्पीडोमीटर है उसके हिसाब से कितना चला लिया है। जी हाँ, तो ये देखो जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप 127.0 किलोमीटर, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, 127.0 एक किलोमीटर और ऐड कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जो है एक किलोमीटर ये पॉज हो गया था। तो 127.0 किलोमीटर जो है चली है गाड़ी, एवरेज स्पीड रही 33 की, इसके अंदर मैक्स स्पीड दिखा रहा है 48, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 3 घंटे 50 मिनट जो है लगभग मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ, और काफ़ी बढ़िया रहा दोस्तों ये टेस्ट, काफ़ी बढ़िया जो है रिजल्ट रहा। रेंज के हिसाब से देखा जाए 127 किलोमीटर की रेंज जो है इस गाड़ी ने निकाली है, जो कि काफ़ी बढ़िया दोस्तों रेंज हो जाती है। अब जो है इसके बैटरी को मैं चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि भैया ऑडोमीटर जो है कितना हो गया है। वैसे शायद दिख रहा होगा लास्ट में, वो माइक ऑन करने के चक्कर में जो है ये ऑटोमेटिक जो है एकदम स्क्रीन जो है बंद हो गई, क्योंकि उस टाइम में माइक ऑन कर रहा था। हेलो हेलो, तो भैया ये जो बैटरी है इसको एक बार मैं एक काम करता हूँ, एक बार हटाता हूँ और फिर वापस लगाता हूँ, तो ऐसे हुआ या नहीं हुआ वो देखते हैं। MCV को भी ऑन ऑफ कर लेते हैं, तो भैया नहीं चालू तो ये नहीं हो रही है फ़िलहाल। MCV को ऑफ किया है, ऑन किया है, ऑफ किया है, इसको मैं एक बार वापस से, ताकि आपको बस यकीन हो जाए कि बैटरी भैया खाली हो चुकी है, ठीक है, तो नहीं हो रही चालू बिल्कुल भी, पूरी तरह से जो बैटरी है ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। और अब जो है मैं दूसरी बैटरी लगाने वाला हूँ इसके अंदर, तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, और उसको निकालना भी भारी काम है दोस्तों, क्योंकि ये जो बैटरी है काफ़ी हैवी है, होगा 15 किलो के ऊपर तो वजन यार। तो इसको खाली बैटरी को हम रखते हैं यहाँ पे, इसको आगे रखना पड़ेगा, और भरी हुई बैटरी निकालते हैं, ये थैली में से कवर हटाना पड़ेगा। तो भैया ये लो जी, अनपैक करो इसको सबसे पहले तो, और ये देखते हैं वापस यूज में आता है नहीं आता है। तो दोस्तों मैं जो है जो नई बैटरी लेके आया था एक और, उसको लगाने की कोशिश करेंगे अब, बिल्कुल कोशिश क्या करेंगे, लगी जाएगी। तो ये बैटरी हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जी हाँ, तो बैटरी हमने लगा दी है। अब ये जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कनेक्शन इसका, बिल्कुल जी हाँ गाड़ी ऑन हो गई। तो भैया देखो फुल बैटरी है इसके अंदर भी, लगभग 151 किलोमीटर का जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑडोमीटर इसका, जी हाँ 151 किलोमीटर जो है इसका ऑडोमीटर दिखा रहा है। हमने जो है 15 किलोमीटर से जो है इस गाड़ी के ऑडोमीटर को शुरू किया था, तो दोस्तों 15 किलोमीटर से हमने शुरू किया था, 151 जो है उसके अंदर दिखा रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 151 माइनस 15, भैया 136 जो है अकॉर्डिंग टू ऑडोमीटर दिखा रहा है, और हमारा जो GPS स्पीडोमीटर है वो दिखा रहा है 127 किलोमीटर। तो यहाँ हम इसको स्टॉप कर देते हैं, वैसे ये सारा ना मैप वगैरह भी दिखाता है, तो आज मैप नहीं दिखा रहा है, क्या चक्कर है, हाँ ये रहा। तो भैया ये सारा जो है ना मैप भी दिखाता है कि हम कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं, सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाता है। तो यहाँ से हमने यू टर्न वगैरह लिया था, सारी चीज़ें जो हैं ये नोट करता रहता है। तो ये जो है आपको स्क्रीनशॉट मैं इसका भी दे देता हूँ,
स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट जो है दिखाता है। तो भैया ये कुछ हो गया हमारा ट्रेंस टेस्ट प्योर ईवी ई ट्रेंस नियो का। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आएगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इस गाड़ी के और भी वीडियोस आने वाले हैं तो बने रहेगा दोस्तों चैनल पे, सब्सक्राइब बिल्कुल यार कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ, वीडियो यहां तक देख रहे हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों फिर से किसी नए वीडियो में किसी नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।